एक में उसकी हाई नेक है, एक में सर्कुलर देख सकते हो ब्लू के साथ, ये वाले ब्लू देखने में काफी उसकी थिकनेस होती है मटेरियल की, क्या देखने में अच्छा नहीं है। व्हाट्सअप माई टू फैमिली फॉर न्यू माइन इज पवन। इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है 6 ऐसे सिंपल तरीके जिससे आपके पास जो भी डेनिम जैकेट अवेलेबल है, जो भी है, अच्छी है, खराब है, महंगी है, सस्ती है, डजेंट मैटर, जैसी भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप कैसे 6 डिफरेंट वे में पहन सकते हो ताकि वो आपको सूट हो, आपको भी मजा आए पहनने में। आप एक ही डेनिम जैकेट को डिफरेंट वे में पहनोगे, आपको खुद को अच्छा लगेगा। इसमें कुछ गलतियां भी होती है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिए क्योंकि ये मिस्टेक बहुत कॉमनली लोगों से होती है। स्पेशली छठे वाले पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, मैक्सिमम लोग से जो मिस्टेक होती छठे वाले पॉइंट में बहुत ज़्यादा होती है। आप आते हैं मेन पॉइंट पे, बट से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन दबा देना, ज़बरदस्ती नहीं है, वीडियो पसंद आए तभी। पहला तरीका यहाँ पे आता है, देखो मैंने आपके सामने एक ही सिंपल प्लेन डेनिम जैकेट को दो डिफरेंट वे में पहना हुआ है। पहली वाली में देखो चेक वाली शर्ट के साथ पहना हुआ है, सेकंड वाली में देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन वाली शर्ट के साथ पहना हुआ है। फर्स्ट वाली देखने में आपको अच्छी नहीं दिख रही होगी, सेकंड वाली देखने में ज़्यादा अच्छी दिख रही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब भी आप शर्ट के साथ पहनते हो डेनिम जैकेट या फिर आप टी शर्ट के साथ पहनते हो, अगर आप शर्ट के साथ पहनते हो ट्राई कीजिएगा, या तो आपकी शर्ट प्लेन होनी चाहिए, सिंपल कुछ भी उसमें बना हुआ नहीं होना चाहिए इस तरीके से, या फिर आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाली पहन सकते हो शर्ट, या फिर चाहो वर्टिकल लाइन वाली पैटर्न भी पहन सकते हो। ट्राई कीजिए जो चेक वाली शर्ट्स होती हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा उसमें पैटर्न बने हुए होते हैं उसके साथ प्लेन जो सिंपल डेनिम जैकेट होती है वो मत पहनिए। या फिर सेम ये टी शर्ट में भी लागू होता है, आप टी शर्ट के साथ पहन तो ट्राई कीजिएगा टी शर्ट में कुछ भी बना हुआ ना हो, प्लेन सॉलिड हो, या आप पहनना चाहते हो तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की पहन सकते हो, जो पैटर्न होते हैं लाइन वाले वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ होगा समथिंग या बहुत ज़्यादा पैटर्न होते हैं वो देखने में खास अच्छा नहीं लगता है। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, मैंने आपके सामने सेम डेनिम जैकेट को सेम कलर की दो डिफरेंट टी शर्ट के साथ पहना हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में की नेक का डिफरेंस है, ध्यान से देखो, एक में उसकी हाई नेक है, एक में सर्कुलर नेक है। तो यहाँ पे ये दोनों तरीके सही है, लेकिन आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग पहनना है। आपको ऐसा दिखाना है कि आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लगे अपर बॉडी की, या आपकी नेक में कोई दिक्कत है, आपकी नेक का स्किन टोन अच्छा नहीं, या आपकी बहुत ज़्यादा हड्डी निकली हुई है, तो वहाँ पे वो हाई नेक के साथ जा सकते हो। लेकिन आपको सिंपल वे में पहनना है, बहुत ही सिंपलिसिटी में रहना है आपको, तो सर्कुलर नेक में जा सकते हो। लेकिन हाँ, वी नेक की गलती से भी मत पहनना। वी नेक की टी शर्ट डेनिम जैकेट के साथ एकदम वाहियात टाइप की लगती है, तो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के पहनना। यहाँ पे अगला तरीका आता, बट से पहले आपने अभी तक भाई को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे आईडी बन के आ जाएगी, मैंने फॉलो कीजिएगा, नहीं मैंने प्लीज़ फॉलो मत कीजिएगा, मैंने कभी भी ज़बरदस्ती नहीं की है। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, आप जब भी डेनिम जैकेट लेने जाते हो, ऑनलाइन मंगाते हो, तो आपके सामने शेड का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ब्लू लेनी है, ब्लू में बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कौन सी ले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आप ट्राई कीजिएगा डेनिम जैकेट के साथ वो वाली जीन्स पहनो जो सेम शेड की होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो जीन्स अवेलेबल है, या आप जीन्स लेने जाते हो तो इस बात का आपको ध्यान देना कि डेनिम जैकेट के शेड के साथ मैच हो। ऑब्वियसली बात है, सेम एग्जैक्टली आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैच होगा वो आपके लिए बेटर होगा। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं, आपके सामने देख सकते हो ब्लू के साथ ये वाले ब्लू देखने में काफी ज्यादा सही लगेगी क्योंकि दोनों के शेड काफी हद तक मैच होते हैं। सेम ब्लैक के साथ देख सकते हो दोनों के शेड काफी हद तक मैच हो रहे हैं। एंड सेम वे में जब आप उसके अंदर जो टी शर्ट या शर्ट पहनते हो ट्राई कीजिए शूज के कलर साथ मैच होगा, देखने में बहुत अच्छी आपकी डेनिम लगेगी। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, आप जो डेनिम जैकेट पहनते हो उसकी जो मोटाई होती है, जो उसकी थिकनेस होती है मटेरियल की, वो इस बात पे डिपेंडेबल होता है कि आपने के अंदर पहना हुआ है, कौन सी टी शर्ट पहनी है, कौन सी शर्ट पहनी है, उसके हिसाब से आपको पहनना है। जैसे आपने जो टी शर्ट पहनी है, जो शर्ट पहनी है, उसका जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा मोटा है, तो आप जो डेनिम जैकेट पहनेगा उसकी जो मोटाई होनी चाहिए, उसकी थिकनेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब जस्ट उल्टा, आपने मोटी बहुत जो डेनिम जैकेट पहनी है उसका जो कपड़ा है, जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा मोटा है, तो आप जो शर्ट पहनते हैं, जो टी शर्ट पहनते हैं अंदर, उसका जो कपड़ा होना चाहिए थोड़ा सा थिन होना चाहिए उसके हिसाब से, ताकि वो बैलेंस बहुत अच्छा बन पाए। हालांकि आप कुछ भी पहन सकते हो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बात वही हो जाती है जो बैलेंस की बात होती है, आप बहुत ज़्यादा बल्की ना लगो, बहुत ज़्यादा स्लिम भी ना लगो, इसके हिसाब से आपको पहनना है। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, आप जब भी डेनिम जैकेट के साथ कोई भी टी शर्ट पहनते हो, कोई भी शर्ट पहनते हो विदाउट टकिंग, मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। आपके सामने दो वीडियो आपको दिख रही होगी, लेफ्ट वाली देखने में खास अच्छी नहीं है, आज के ट्रेंड के हिसाब से लेफ्ट वाला तरीका देखने में अच्छा नहीं है, राइट वाला तरीका देखने में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। क्यों? जब भी आप विदाउट टकिंग कोई भी टी शर्ट या कोई भी शर्ट पहनते हो तो आपकी जो लेंथ होनी चाहिए डेनिम जैकेट की थोड़ी सी शॉर्ट होनी चाहिए, यानी कि आपने जो भी टी शर्ट पहनी है, कोई भी शर्ट पहनी है, वो हल्की सी दिखनी चाहिए नीचे से, इस तरीके से, बिकॉज वो देखने में ज़्यादा अच्छा दिखेगा आज के ट्रेंड के हिसाब से। हो सकता है 2 साल बाद ऐसा ना हो, लेकिन आज के ट्रेंड के हिसाब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम की है। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, जो सबसे
सबसे लास्ट वाला एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोगों को बहुत लोगों ने ज्ञान दिया होगा, जब भी आप हुडी पहनते हो डेनिम जैकेट के साथ, सबने बताया होगा, तो क्या होता है स्किनी गाइस वालों के लिए या जिनकी हाइट अच्छी नहीं होती उनके लिए बहुत ज़्यादा सही होता है, क्योंकि जब भी आप हुडी पहनते हो डेनिम जैकेट के साथ आपकी हाइट देखने में अच्छी लगती है, आप स्किनी हो, दुबले पतले हो, आपकी फिजिक अच्छी नहीं है तो देखने में छुप जाता है। लेकिन यहाँ मिस्टेक कॉमनली क्या होती है, तीन मिस्टेक कॉमनली होती है। पहली मिस्टेक, आपने जो भी हुडी पहनी है उसमें कुछ भी पैटर्न बना हुआ नहीं होना चाहिए। सेकंड बात, वो चेन वाली हुडी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगली बात जो बहुत ज़्यादा काम की है, आपको जो कलर होता है हुडी का, आपने जो भी जैकेट पहनी है डेनिम की उसका कलर एकदम सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, अपोजिट होगा ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने डार्क कलर की डेनिम जैकेट पहनी है, ट्राई कीजिएगा। लाइट कलर की हुडी पहनी है, आपने लाइट कलर की डेनिम जैकेट पहनी है, ट्राई कीजिएगा डार्क कलर की हुडी पहनिएगा। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।